हेलो दोस्तों, मैं वासिल बाजार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, आप देख पा रहे हैं कि 5G दोस्तों इसमें प्रॉब्लम हो चुका है। गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, गाड़ी धक्का मार के लाए गए हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी दिनों से परेशान है, 15-20 दिन से 2-3 गैरेज में दिखाया भी है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व होने का। तो क्या दिक्कत है इसके अंदर वो हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम जो है वो हम सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे। चाबी को इस तरह से ऑन करेंगे, सारा कुछ हमारा वर्क कर रहा है, गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट मारेंगे इस तरह से। तो गाड़ी देख पा रहे हो, सेल्फ हमारा वर्क कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, वापस करके बता दें। तो यहाँ पर किक से भी मार के आपको दिखा दें, कभी कभी प्रॉब्लम रहता है स्कूटी के अंदर, तो यहाँ पर इस तरह से किक भी यूज करेंगे तो गाड़ी जो है कोई भी इंजन से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रही एंड तक, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि इस तरह से करंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा मैकेनिक भाई लोग भी बहुत परेशान होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एंड तक आप बने रहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सीट को ओपन करेंगे, सीट को ओपन करेंगे, यहाँ पर कर चुके हैं, और इस सीट को जो है ऊपर की ओर ले लेते हैं। यहाँ पर सारा कुछ लाइव बताएंगे, तो यहाँ पर जो है इस सीट को इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पर जो है ये हमारा ऊपर हो चुका है, और इसको यहाँ पर लगा लेंगे परफेक्ट तरह से, और सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हमारा मैकेनिक भाई लोग परेशान होते हैं, तो दोस्तों जानकारी होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चेक करने से पता चल जाता है हमारा दिक्कत कहाँ से है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो है स्टार्टिंग कॉइल वगैरह भी सारा कुछ बदल दिया है इस रोड, बाकी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लग को चेक करेंगे कि हमारा करंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है जो करंट का इशू होगा, तो यहाँ से हमको पता करना है। तो यहाँ पर हम करंट को चेक करेंगे, इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और चाबी को यहाँ पर ऑन कर देंगे, और जगह पर सेल्फ यूज करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर एक बार आपको प्रॉपर तरह से दिखा दें, आपको करंट यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों करंट का लफड़ा है, तो इसमें क्या दिक्कत है, तो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, इसमें कोई पार्ट खराब है हमारा, सीडी आए या और कोई दिक्कत है, वायरिंग रिलेटेड इशू है, तो सारा कुछ हम बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है चाबी को ऑफ कर दिए हैं, और इस वाइजर को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर चार स्क्रू होता है, चारों को ओपन कर चुके हैं, और इस तरह से इसको निकाल देंगे। तो सारा कुछ लाइव बताएंगे आपको यहाँ पर कि किस तरह से चेक करना है जब इस तरह करंट का इशू हो जाता है। तो करंट का प्रॉब्लम बहुत जगह से होता है दोस्तों, ये सारा कुछ चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है CDI हमारा ओपन हो चुका है, इसको बाहर की ओर ले लेंगे इस तरह से, और इसको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या क्या चेक करना है जो हमारे को कन्फर्म पता चलेगा कि हमारा CDI सही है नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर करना रहता है। तो यहाँ पर हम दोनों कॉर्ड को निकाल लेंगे इस जगह पर, यहाँ पर सारा कुछ बताएंगे आप। तो यहाँ पर जो है निकाल चुके हैं CDI में, तो हम चेक करेंगे हमारा CDI ख़राब है या वायरिंग में कहीं इशू है, तो ये सारा कुछ हम चेक करके आपको बताएंगे। इसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो है मल्टीमीटर को हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम चेक करेंगे वायरिंग हमारा सही है नहीं है या हमारा CDI प्रॉब्लम है। तो दोस्तों घबराने से कुछ नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है लाइनअप को। अगर सही जानकारी आपको है तो आप प्रॉपर तरह से प्रॉब्लम को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, सारा कुछ बताएंगे, ये मल्टीमीटर और ये बल्ब की मदद से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम चेक करेंगे, इसमें दो चीज़ चेक करना है वो हम आपको बताएंगे इसमें। तो सबसे पहला जो यहाँ पर बता दें, ये रेड में जो है हमारा रेड वायर में ब्लैक लाइन है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा, प्रॉपर तरह से आपको दिखा दें। तो ये हमारा इनपुट है दोस्तों, ये जो है हमारा CDI के अंदर घुसता है, मतलब यहाँ से पावर 12 वोल्ट अंदर जाता है। इसको हम चेक करेंगे प्रॉपर तरह से हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एक वायर को यहाँ पर लगाएंगे इस बल्ब वाले को, दूसरा वायर जो है बॉडी आर देंगे यहाँ पर, देख पा रहे होंगे, और चाबी को ऑन करेंगे तो ये हमारा जलना चाहिए। तो यहाँ पर ऑन करेंगे इस तरह से, तो देख पा रहे हैं हमारा वर्किंग कर रहा है। तो इससे क्या पता चला, ये जो हमारा वायर है कहीं से कट नहीं, चाबी को ऑफ कर देते हैं। तो ये रेड वाला वायर में जो है हमारा 12 वोल्ट और इनपुट आ रहा है हमारा CDI के अंदर। दूसरा वायर हम चेक करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, ये हमारा 12 वोल्ट वाला वायर है, ये हमारा सही तरीका से वर्क कर रहा है, यहाँ तक पावर सप्लाई हो रहा है। दूसरा जो है दोस्तों हमारा भाई लोग जो है अर्थिंग जो हमारा जो अर्थ का वायर आता है CDI के अंदर, तो उसमें मिस्टेक हो जाता है इन लोगों, तो इसमें हरा वायर दो रहता है। तो आपको यहाँ पर बता दें, ये हरा में ब्लैक लाइन है, इसमें आपको चेक नहीं करना है क्योंकि ये अर्थ वाला नहीं होता है, वो पूरा तरह से हरा होता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, ये सॉकेट में ये जो पूरा तरह से हरा है, यहाँ पर दिख पा रहा है, ये हरा वाला वायर है पूरा तरह से, ये हमारा अर्थ वाला वायर है। तो इसको हम चेक करेंगे हमारा अर्थिंग प्रॉपर तरह से आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक वायर जो है इस हरा वाला में हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे प्रॉपर तरह से। दूसरा वायर है जो ये हमारा प्लस पॉइंट है बैटरी वाला, इसमें देंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा अर्थ भी जो है बराबर तरह से काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों जो है हमारा इनपुट हमारा CDI के अंदर आ रहा है,
अब हमको चेक करना है इसमें जो हमारा पिकअप कॉइल का वायर रहता है उसका बड़ा बहुत बड़ा रोल रहता है दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल में, तो उस पिकअप कॉइल को हम चेक करेंगे। तो सी डी आई खराब बताने से पहले जो है परफेक्ट तरह से आपको चेक करना है, क्योंकि सी डी आई महंगा आता है दोस्तों। सी डी आई लगाने के बाद प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा तो दिक्कत आ जाता है, इसलिए पहले पूरा तरह से चेक करना है। तो ये हमारा दोनों यहाँ पर हमारा काम कर रहा है, मतलब प्लस पॉइंट भी आ रहा है, माइनस वाला भी जो हमारा सी डी आई के अंदर आ रहा है, तो हमारा सी डी आई वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे जो हमारा पिकअप कॉइल होता है वो, तो इस जगह पे हम आएंगे यहाँ पर और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि करंट रिलेटेड जब प्रॉब्लम आ जाता है तो इस तरह से दिक्कत आ जाता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको, ये हमारा पिकअप कॉइल का वायर, यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्लू में पीला लाइन है, ये हमारा पिकअप कॉइल का वायर है। तो यहाँ पर इस वायर को यहाँ से निकाल लें, इस तरह से निकाल लेंगे, और अपने को चेक करना है ये हमारा जो मैग्नेट से आया है वायर, यहाँ से दिख पा रहा होगा जो अंदर से मैग्नेट कॉइल से आता है दोस्तों, उस हिस्सा में आपको चेक करना है, ये दूसरा वाला हिस्सा में नहीं। तो इसमें हम चेक करेंगे तो इसमें हमारा जो है मल्टीमीटर काम करेगा। तो यहाँ पर जो है इसको कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे, यहाँ पर प्रॉपर तरह से आप देख लें इस जगह पर, और यहाँ पर जो है इस तरह से रखेंगे और इस तरह से बता दें, यहाँ पर हमारा शो कर रहा है और हमारा इसमें बीप भी बजता है, शायद आपको सुनने में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एक वायर को जो इसमें लगाएंगे, मल्टीमीटर का वायर जो है रेड वाला इसमें लगाएंगे हमारा पिकअप कॉइल वाले में इस तरह से, और दूसरा हम बॉडी आर देंगे कहीं भी। तो यहाँ पर हम देते हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर दिखा दें, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक सौ प्रॉपर तरह से 131 बता रहा है, सही तरीका से आपको दिखा दें 131 130 बता रहा है। तो दोस्तों ये पिकअप कॉइल जो हमारा प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है, ये हमारा 130-40 से 240-222 तक भी बताता है, तो रेडिंग इसका सही है। तो ये हमारा प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है, ये हमारा दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरा चीज़ चेक करेंगे, क्योंकि हमारा मैग्नेट कॉइल से इशू नहीं है, हमारा पिकअप कॉइल जो है प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है, यहाँ पर रेडिंग बता रहा है। अब इसमें हमको चेक करना है ये जो पिकअप कॉइल का दूसरा वायर है, जो ये हमारा यहाँ से सी डी आई में डायरेक्ट अटैच रहता है, यहाँ पर दिखा दें आपको सेम वायर आपको मिलेगा इस जगह पे, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ब्लू वायर में जो पीला लाइन है ये हमारा सी डी आई से आया हुआ। तो दोस्तों इसको हम चेक करेंगे, हमारा यहाँ तक सप्लाई हो रहा है नहीं, तो इस वायर कहीं पर कट है या और कोई दिक्कत है वो चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर जो हमारा कंटिन्यूटर मोड पर रहेगा यहीं पर, इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करके आपको बता दें, इस तरह से यहाँ पर रखेंगे मल्टीमीटर को, अब प्रॉपर तरह से आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि इसका जो है कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे वायर सही है नहीं। तो मल्टीमीटर को वहाँ पर रख चुके हैं, तो यहाँ पर दिखा दें ये हमारा ब्लू में पीला लाइन जो है ये पिकअप कॉइल से आया हुआ है, हमारा डायरेक्ट पिकअप कॉइल से सी डी आई में आता है इनपुट। तो यहाँ पर इसको पहला एक वायर को अटैच करेंगे, दूसरा वायर को यहाँ पर हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीमीटर में आपको देखना है ये कंटिन्यूटी मोड में रखा हुआ है, और दूसरा वायर जो है इसमें हम ये जो हमारा वायर है दूसरा वाला इसमें कनेक्ट करें, और यहाँ मल्टीमीटर में आपको देखना है। तो यहाँ पर दिखा दें कोई तरह का फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, कोई तरह रेडिंग नहीं बता रहा है दोस्तों, ना बीप का साउंड आ रहा है कुछ भी। तो यहाँ पर क्या पता चला, वापस दिखा दें यहाँ पर हमारा जो कनेक्ट है, और यहाँ पर वापस अटैच करेंगे, तो यहाँ पर कोई तरह का मल्टीमीटर में रेडिंग नहीं दे रहा है, यहाँ पर दिख पा रहा हो मल्टीमीटर के अंदर। तो दोस्तों ये जो हमारा प्रॉब्लम बाहर हो चुका है, पता चल चुका है कि हमारा वायर जो है कहीं से कट है, ये जो हमारा पिकअप कॉइल है प्रॉपर तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको चेक करेंगे, ये वायर जो यहाँ से वहाँ तक रहता है, तो यहाँ से इस तरह से वायर जाता है हमारा सी डी आई के पास डायरेक्ट, तो वहाँ पर हमारा वर्किंग नहीं कर रहा है, तो वायर कहीं बीच से कट है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ब्लेड लेंगे और इस तरह से इसको फाड़ेंगे, इस तरह से फाड़ेंगे, इसको चेक करेंगे हमारा किसी तरह से दिक्कत है कहीं वायर में। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इस तरह से, वहाँ पर है वायर हमारा ब्लू में, ये जो हमारा ब्लू में पीला लाइन होता है, यहाँ पर चेक करेंगे इस तरह से, तो कहाँ पर कटा है वो भी चेक करना है। तो यहाँ पर जो इस तरह से थोड़ा सा और मारेंगे ब्लेड को, तो यहाँ पर दिख पा रहा है इस जगह पे, यहाँ पर दिखा दे प्रॉपर तरह से, इस जगह पे वायर हमारा कटा हुआ है, ये देख पा रहे हैं। तो यही हमारा प्रॉब्लम था दोस्तों, कट के एक दो वायर में अटका हुआ था और ये प्रॉपर तरह से वर्क नहीं कर रहा, इस तरह से दिक्कत आ रहा था इसके अंदर। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको दूसरा वाला छेड़ा किधर है, तो यहाँ पर हम ये दूसरा वाला इस जगह पे देख पा रहे हैं ये वाला, तो ये पिकअप कॉइल का ही वायर है, आप दिख पा रहा होगा आपको ब्लू में पीला लाइन है, तो पिकअप कॉइल का ही वायर है, इसको हम जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों, और बहुत परफेक्ट तरह से जोड़ना है, क्योंकि इसमें सिग्नल आता है पल्स आता है, जरा सा भी दिक्कत रहेगा तो हमारा करेंट में प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम आपको सारा कुछ लाइव बताएंगे, ये जो हमारा इस तरह से दूसरा वाला है इसको भी हम इस तरह से निकाल लें, तो वायर को कैसे कनेक्ट करना है इस जगह पे वो भी हम आपको बताएंगे।
क्योंकि लूज कनेक्ट रहेगा तो इसमें पल्स आता है, ये प्रॉपर तरह से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो हम निकाल चुके हैं दूसरा वायर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा साइज को बड़ा कर देंगे, क्योंकि दिक्कत नहीं रहना चाहिए किसी तरह का। टाइट कनेक्ट रहेगा तो बराबर तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से गांठ मारना है घुमा के, शायद आपको आप देख पाए होंगे किस तरह से इसमें गांठ मारे। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला भी करेंगे, उसमें प्रॉपर तरह से आपको दिखाते हैं किस तरह से करना है। यहाँ पर इस तरह से वायर को थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि इसमें तनाव ना रहे, और यहाँ पर इस तरह से छीन लेंगे इस तरह से दोस्तों। तो छीन लेना है, तो यहाँ पर बता दें किस तरह से कनेक्ट करना है, आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसको रखना है वायर को, और इस तरह से घुमाना है यहाँ पर, देख पा रहे हैं। फिर इस वायर को जो है पीछे के ओर से लेना है, इधर से वायर के पीछे के ओर से, और उसको प्रॉपर तरह से यहाँ पर टाइट कर देना है इस तरह। यहाँ पर जो है प्रॉपर तरह से टाइट कर देना है, ये देख पा रहे हैं ये हो चुका है, और इसको हम यहाँ से काट देंगे। यहाँ पर जो इस तरह से टेप मार लेंगे प्रॉपर तरह से दोनों में, कहीं पर लीक का इशू ना रहे दूसरा जगह पे, यहाँ पर इसको भी हम टेप प्रॉपर तरह से मार लेंगे यहाँ पर। तो सारा कुछ लाइव बता रहे इसलिए दोस्तों कि पता चलना चाहिए। हमारा मैकेनिक भाई लोग परेशान रहते हैं, काफ़ी दिन गाड़ी रख लेते हैं, एक हफ्ता 15 दिन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है, तो इस तरह से दिक्कत हो जाता है हमारा कस्टमर भाई लोग। तो यहाँ पर हो चुका है, इसको प्रॉपर तरह से हम टेप मार देते हैं यहाँ पर घुसा के, जिस तरह से था यहाँ पर उस तरह से हम टेप मार तो सही तरीका से यहाँ मार देते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर तरह से हम टाइप को भी मार दिए हैं, और अब हम आपको बताएंगे डायरेक्टली यहाँ पर जो है इस तरह से अटैच कर देंगे, और यहाँ पर सीढ़ियाँ को लगा देंगे। सारा कुछ लाइव बताएंगे, वायर को हम कनेक्ट कर चुके हैं, और यहाँ पर सीढ़ियाँ को हम अटैच कर लेंगे इस जगह पर। तो यहाँ पर जो है दोनों कॉर्ड को हम अटैच कर लेंगे इस तरह, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये दोनों अटैच हो चुका है। और उसके बाद हम यहाँ करंट को चेक करेंगे, चाबी को यहाँ पर ऑन करेंगे, और हमारा करंट आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करेंगे। तो ये हमारा प्लग वाला वायर है, यहाँ पर दिखा दे इस तरह से हम अंदर ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर चेक करेंगे करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सेल्फ हो यूज करेंगे, पर दिखा दें आपको करंट को आपको देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेल्फ यूज करेंगे, तो यहाँ पर दिख पा रहा करंट हमारा लंबा लंबा करंट आ रहा है, तो हमारा करंट आ चुका है। चाबी को ऑफ कर देते हैं और डायरेक्टली गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है प्लग केप को लगा देते हैं इस जगह पे, और डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इसको लगा देते हैं। प्लग केप को हम प्रॉपर तरह से लगा लेंगे, सारा कुछ लाइव बताएंगे गाड़ी स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो है करंट हमारा आ चुका है, इसको प्लग केप को इस तरह से लगा लेते हैं, ये हमारा लग चुका है। नीचे ले लेते हैं, आपको परफेक्ट तरह से बताते हैं। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो चुका है, इस चीज़ को हम नीचे ले दे रहे हैं इस तरह से, और आपको डायरेक्टली स्टार्ट करके बताएंगे। यहाँ पर चाबी को ऑन करेंगे यहाँ पर, अब गाड़ी सेल्फ स्टार्ट मारेंगे यहाँ पर, देख पाएंगे एक ही सेल्फ में गाड़ी हमारा स्टार्ट इसलिए ना आ रहा है। यहाँ पर चाबी को ऑफ करेंगे, वापस स्टार्ट करेंगे, देख पा रहे हैं प्रॉपर तरह से हमारा वर्किंग कर रहा है। गाड़ी को ऑफ करेंगे एक बार, हम जो किक से स्टार्ट मारेंगे, हमारा किक से प्रॉपर तरह से काम कर रहा है, चाबी कौन कर लेंगे वापस और किक से स्टार्ट मारेंगे यहाँ पर, देख पा रहे गाड़ी किक से भी हमारा परफेक्ट तरह से स्टार्ट। इस तरह से जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर जो है मुकम्मल तरह से हमारा काम हो चुका है। तो दोस्तों जो है टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं अपने चैनल में, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आज तक की वीडियो यहीं करते हैं एंड।